जब कभी भी कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के सबमिशन में जाएगा या उसके नियंत्रण में जाएगा, तो अब तक वो जिस बात के अधीन रहा है वह उसको पवित्र आत्मा के अधीन जाने के लिए रुकावट बन जाएगी। इसीलिए उसको अपनी पुरानी आदतों को या पुराने ख्यालों को जो सकारात्मक रहे हैं उनको भुला देने के लिए 40 दिन और 40 रात लग गए। जब वो प्रार्थना करते थे तो उनको पापा की याद आती थी, पता नहीं पापा के साथ लकड़ी काटने वाला कोई है कि नहीं। मामा का कमर दुखता था तो मैं दाब दिया करता था मामा के लिए, मैं कुएं से पानी ले आता था, पता नहीं अब उनके लिए पानी लाने वाला है कि नहीं कोई। ये ख्याल उनके दिमाग में आते थे और उस ख्यालों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए वो एकांत में जाकर प्रार्थना में अपना बहुमूल्य समय गुजार रहे हैं। बाइबल कहती है पिछली बातों को भूल जाओ और निशानी की ओर दौड़ते चले जाओ। इन 40 दिनों के अंदर यीशु मसीह का प्रमुख काम रहा है कि वे अपने कर्तव्यपूर्ण सकारात्मक व्यवहारों को अपने मन से निकाल के जब तक अलग नहीं कर लेंगे तब तक वे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ हिज प्रेयर। यीशु मसीह के पहाड़ में जाके प्रार्थना करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वह खुद की परिचय से लड़ाई लड़ता था। रेसलिंग विथ आवर ओन डिग्निटी, टेकिंग कंट्रोल ओवर आवर ऑल द मेमोरीज विच वी हैव इन आवर ओन माइंड, ऑल द प्रैक्टिसेस विच वी ऑलरेडी हैज डिड इन द पास्ट लाइफ, जिन तमाम आदतों को हमने, जिन व्यवहारों को, यीशु के अंदर तो नकारात्मक व्यवहार था ही नहीं परंतु उसके पास सकारात्मक व्यवहार था समाज के लिए, दोस्तों के लिए, मामा पापा के लिए, तो वो भी उसके लिए रुकावट का विषय था क्योंकि वे भी बातें, यदि वे बातें उसके जीवन के अंदर में पाई जाएंगी तो वो पवित्र आत्मा के साथ चलने में कहीं ना कहीं दिक्कत अनुभव करेगा। वो प्रार्थना करेगा प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, माँ का चित्र आ जाएगा और वो माँ को याद करेगा तो पवित्र आत्मा से तो कनेक्शन टूट जाएगा ना। इसीलिए 30 वर्ष की उम्र के बाद उसने अपनी मां को मां कभी नहीं कहा। हे नारी, उपवास के बाद जब 40 दिन के उपवास के बाद वापस आए तो काना के नगर में मां मरिया आकर के यीशु से कहने लगी बेटा दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु ने साफ कहा था हे नारी, इसका मतलब है इन 40 दिनों में वह मां को भूल गया तभी वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जाने के लायक बन गया। और उसने आखिरी तक अपनी मां को, एक बार यीशु और उनके भाई लोग आए, ये चेले लोग कहने लगे यीशु जी तुम्हारे मामा भाई और बहन आए तुमसे मिलने के लिए, तो प्रभु जी ने कहा मेरे माता मेरे भाई और मेरे बहन ये हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। एक्सक्यूज मी बोल करके प्लीज लव यू मम्मी ऐसे बोलने के लिए यीशु के पास 5 भी मिनट नहीं था क्योंकि उसने अपनी बुद्धि के ऊपर अधिकार ले चुका था। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमारे तुम्हारे प्रार्थना का विषय क्या है? जिस आत्मिकता का मूल यीशु है ना, उसकी प्रार्थना का जो विषय था, चाहे वह ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने का हो, चाहे आंसू बहाने का हो, चाहे विनती करने का हो, उसका विषय था कि अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करे, अपने ख्यालों के ऊपर अधिकार प्राप्त करे, अपनी मेमोरीज में जो घटनाएं घटी हैं चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। यीशु के माथे पर तो सकारात्मक दुनिया बसी थी और हमारे और तुम्हारे जीवन में तो नकारात्मक, उसने मेरे साथ ऐसा किया वो वैसा है, हम इसके साथ प्यार नहीं कर सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते। कितनी नेगेटिविटी आज हमारे थॉट्स में भरी पड़ी है, उसके ऊपर जिस दिन आप विजय पा लेंगे
केवल वही व्यक्ति होगा जो पवित्र आत्मा के सबमिशन में जाना पड़ेगा जा सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था, अपनी सकारात्मक ख्यालों को भूलकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जाना, इसी बात के कारण से प्रभु यीशु मसीह जंगल में जाया करते थे। इसी बात के कारण उन्होंने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ गुजारा और शैतान उनके पास आया। तो हमको लगता होगा वो काला काला कपड़ा पहन के आया होगा, बड़े बड़े दांत होंगे उसके और बैल के समान सींग होंगे। ना 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 ना, ऐसा कोई विजिबल पोजीशन में शैतान उसके पास नहीं आया, वरन उसके ख्यालों में इस तरीके के विचार आते थे। बोल दे पत्थर को, रोटी बन जाएगी, गिर जा पहाड़ से, ये दुनिया दे दूंगा, नमस्ते कर दे एक बार, कंगूरे पर ले गया, गिर जा नीचे, स्वर्गदूत झेल लेंगे। वो कोई आवाज नहीं सुनता था आकाश से, उसके माथे के अंदर ये कल्पनाएं आती थी और उस कल्पनाओं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु जी के पास एक ही उत्तर था, लिखा है, लिखा है, लिखा है। There was a big war was going on in his own mind while he was waiting in the presence of God in a lone place. आप भी एकांत में प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तूफानों की तरह विचार आते हैं, रॉकेट की तरह धुआं छोड़ के चले जाते हैं। हमारा संबंध परमेश्वर से हुआ कहाँ? मेरे प्रियो, प्रार्थना के रहस्य भेदों को समझो।